और अब बात टल चुकी, रद्द हो चुकी एनएसएस स्तर की बातचीत के ऊपर। जो डर गया वो भाग गया। आतंकवाद पर खुद को घिरता पाकर पाकिस्तान डर गया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए लेवल की जो मीटिंग होनी थी उससे कदम वापस खींच लिए। दोनों मुल्कों के बीच 23 और 24 अगस्त यानी आज और कल एनएसए लेवल की बातचीत होनी थी, लेकिन ये बात शुरू होती उससे एन पहले पाकिस्तान ने बातचीत रद्द करने का ऐलान कर दिया। जमने से पहले ही उखड़ गए पाकिस्तान के नापाक कदम। भारत के खिलाफ चालाकी भरी शातिराना बुनियाद खड़ी करने वाला पाकिस्तान पहले ही कदम पर धराशायी हो गया। पोल खुल गई, साजिश का नकाब फिर उतर गया और डर कर भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान। नापाक जिद, लंबी जुबानी जंग और अपने मुल्क में कट्टरपंथियों और सेना के बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के साथ एनएसए लेवल की बातचीत रद्द करने का ऐलान कर ही दिया, क्योंकि छलावा देने के लिए अब उसके पास कुछ बचा भी नहीं था। 23 अगस्त को बातचीत शुरू होने के तय वक्त से चंद घंटे पहले 22 अगस्त की रात करीब 10 बजे आया पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का पैगाम, जिसमें अपनी नाकामी छिपाने की तमाम दलीलें थी। पाकिस्तान ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश की। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत से कोई फायदा निकलने वाला नहीं। भारतीय विदेश मंत्री दो शर्तों की बात करती हैं और हम ये मानते हैं कि उन शर्तों के साथ एनएसए के बीच बातचीत नहीं हो सकती। खिसियाहट भरी पाकिस्तान की इन दलीलों का मतलब साफ था कि वो भारत के साथ एनएसए स्तर की बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर भी बैठक रद्द करने की औपचारिक जानकारी दे दी गई। थोड़ी ही देर में भारत में भी इसकी पुष्टि हो गई। जब रात करीब 10:40 पर आया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का ट्वीट, बातचीत रद्द करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने कोई शर्त नहीं रखी थी, सिर्फ ये कहा था कि उफा और शिमला समझौते का सम्मान किया जाए। भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज के बीच आज और कल दो दिन होनी थी बातचीत, जिसे अपनी पोल खुलने से घबराए पाकिस्तान ने एन वक्त पर कर दिया कैंसिल। पाकिस्तान के इस आत्मघाती कदम ने आतंकवाद के मुद्दे पर सारी दुनिया में उसे एक बार फिर बेनकाब कर दिया है, और इस बार तो आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ किसी सबूत की जरूरत भी नहीं पड़ी। पाकिस्तान का डर ही सामने ले आया, पाकिस्तान का नापाक सच। दोनों मुल्कों के एनएसए के बीच अगर बातचीत होती तो यकीनन भारत पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव बनाता, लेकिन बातचीत रद्द कर पाकिस्तान ने ही कूटनीतिक बिसात पर हिंदुस्तान को दे दी एक अहम कामयाबी। आज तक ब्यूरो।